नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 4 बिट पैरेलल एडर के बारे में। तो 4 बिट पैरेलल एडर की हमें जरूरत क्यों पड़ी, जैसे कि हमने बात किया था जो हमारा हाफ एडर था और हमारा फुल एडर था। हाफ एडर क्या काम करता था, 2 बिट्स का एडिशन करता था, और फुल एडर क्या काम करता था, 3 बिट्स का एडिशन करता था। अब हमें 3 बिट्स से अगर ज्यादा बिट्स की एडिशन करनी होगी तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, पैरेलल एडर्स का। पैरेलल एडर यानी कि क्या यूज किया जा रहा होगा, यहाँ पर फुल एडर्स को ही मल्टीपल टाइम्स यूज किया जा रहा होगा। ठीक है, फुल ये जो आपके बने हुए हैं ये क्या है, फुल एडर है। सारे जो ये बने हुए हैं ये मैंने क्या बना रखे हैं, फुल एडर। यहां बेसिकली हम लोग किसकी बात करेंगे, 4 बिट की। तो मैंने 4 फुल एडर कॉन्टिन्यूशन में लगा रखे हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन इसकी बात करें, सर्किट की बात करें तो कैसा है, जो पहला फुल एडर है उसका सी इन मैंने ग्राउंड कर रखा है, यानी कि उसका जो सी इन दिया मैंने वो जीरो दिया है। ठीक है, फॉर सिंप्लीफिकेशन इसको मैंने जीरो दे रखा है, आप इसको वन भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, उसी के हिसाब से आपका सर्किट काम करेगा। ठीक है, ए नॉट और बी नॉट जो है, यहां पर मैं एग्जाम्पल लिख लेता हूं कि जैसे अगर मैं ए इनपुट्स की बात करूं, यानी कि ए जीरो, ए वन, ए टू और ए थ्री। मान लीजिए कोई भी इनपुट मैंने लिए, इनको मैंने क्या ले लिया, 1 1 1 1, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, अब बी की बात करूं तो बी थ्री, बी टू, बी वन और बी जीरो मैंने क्या ले लिए, कुछ भी ले सकते हैं, 0 1 0 1। ठीक, अब यहां पर इसको एडिशन कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके हिसाब से फिर हम लोग इनपुट रखते जाएंगे और देखेंगे यहां जो आउटपुट मिल रहा है वो क्या इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर हो गया 1 1 1 1, ठीक, 0 1 0 1, ठीक। इसको हम क्या करेंगे, ऐड करके देखेंगे। ये हमारे किसको दिखा रहा है, ए ऑगेंट को, जो पूरा ए वाला टर्म्स है। ये किसको दिखा रहा है, बी वाले टर्म्स को। ठीक है, तो 1 प्लस 1 यहां पर नीचे आएगा 0, कैरी जाएगा 1, 1 प्लस 1 फिर हो जाएगा 0, कैरी जाएगा 1, अब 1 प्लस 1 हो जाएगा 0 और 0 प्लस 1 हो जाएगा 1, कैरी तो बन जाएगा ही, 1 प्लस 1 का कैरी जाएगा। अब 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0 और यहां आ जाएगा 1। ठीक, तो अब जो ये टर्म्स हैं यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, 0 लिख सकता हूं, कुछ कैरी नहीं आएगा। तो ये जो है हमारा, ये क्या है, ये कैरी को दिखा रहा है। ठीक है, यानी कि कैरी आप कह सकते हैं C0, C1, C2 और C3, ऐसा कुछ कह सकते हैं। अब C0 क्या है, C0 यहां मैंने 0 दे रखा है, वही 0 वहां पर दिख रहा है। ठीक, और ये मेरा कौन सा पोर्शन है, ये फाइनल कैरी है, जो कैरी आउट आ रहा है, जिसको मैंने सर्किट में नाम क्या दे रखा है, सी आउट भी आप कह सकते हैं, और जिस सर्किट में मैंने नाम दे रखा है C4, आप C4 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और ये जो हमारा बेसिक चीजें आई हैं, ये हमारा सम है। ठीक, सम है जो किस हिसाब से आना चाहिए, S0, S1, S2, S3, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग ये A और ये B इनपुट्स और ये C इनपुट्स यहां पुट कर लेते हैं, देखते हैं S0 और S1 वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ब्लैक से लिख लेते हैं, सबसे पहले A0 और B0, A0 और B0, A0 और B0 यहां पर क्या रखा, 1 और 1। ठीक है, तो 1 और 1 मेरा ये 0 है। ठीक, तो 1 प्लस 1 0 और कैरी जाएगा 1, तो यहां क्या बन जाएगा, मुझे 0 और कैरी जाएगा 1। ठीक, ये 1 कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ये 1 यहां पर आ गया। अब A1 और B1 क्या है, A1 और B1 है 1 और 0, 1 और 0। ठीक है, C1 मैंने लिख दिया है 1। ठीक है, तो 1 प्लस 0 1, फिर 1 प्लस 1, यहां पर सम पे क्या आ जाएगा, 0, कैरी जाएगा 1। ठीक, देखते रहिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, ये 1 आ गया, अब ये 1 यहां कॉपी हो जाएगा। ठीक, A2 और B2 की बात करेंगे, A2 और B2 दोनों 1 1 है, 1 और 1। ठीक है, तो 1 और 1 दोनों आ गए। अब आपको क्या करना है, 1 प्लस 1
जीरो और क्या नहीं जाएगा वन, अब वो जीरो और प्लस वन वन, तो यहाँ वन आ जाएगा, कैरी हमारा जाना ही था वन, ठीक है। अब ये वन यहाँ कॉपी हो जाएगा, सेम आ रहा है ना, सेम इनपुट मैंने दे रखा, तो वन ये यहाँ कॉपी हो गया। ए थ्री और बी थ्री की बात करेंगे तो वन और जीरो, ठीक है, ये वन और ये जीरो, ठीक। तो अब वन प्लस जीरो वन, वन प्लस वन मतलब वन प्लस जीरो ये वन आया, इसका वन प्लस ये वन कैरी जाएगा और यहां क्या जाएगा जीरो, कैरी क्या जाएगा वन, ठीक। और यहां मुझे क्या मिल जाएगा कैरी आउट में मिल जाएगा ना कैरी आउट। तो अब देख लीजिए इस हिसाब से मेरा कैरी आउट जो है वो क्या आया वन, और सम क्या आया जीरो वन जीरो जीरो, सम क्या आया जीरो वन जीरो जीरो, क्या यही आ रहा है, बिल्कुल यही आ रहा है, जीरो वन जीरो 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 वन जीरो जीरो, ठीक। और कैरी आउट क्या आ रहा है मेरा वन आ रहा है, ठीक। इसको मैं यहां पर कैसे दिखा सकता हूं, ये जो हमारे टर्म्स हैं ये टू की पावर जीरो टू की पावर वन टू की पावर टू और टू की पावर थ्री, बेसिकली आप क्या कह सकते हैं कि बिल्कुल ये किस तरह चलता है एट फोर टू वन कोड, आपने सुना होगा एट फोर टू वन कोड, तो एट फोर टू वन कोड के हिसाब से ही ये बिल्कुल आपका आंसर आता है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा फोर बिट पैरेलल एडर है, आपको जितने भी बिट्स ऐड करने होंगे आप उतने फुल एडर की कास्केडिंग कर सकते हैं। कनेक्ट क्या करना है इसका सी आउट, ये जो बेसिकली सी वन है ये फुल पहले फुल एडर का एफ ए वन मान लेता हूँ, एफ ए वन टू थ्री फोर, तो जो पहला फुल एडर है इसका सी आउट दूसरे के सी इन से कनेक्टेड है, ये मेजर चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि पहले का फुल एडर का सी आउट दूसरे फुल एडर के सी इन से कनेक्ट होगा, ठीक है। और फाइनली जो हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा उसमें जो लास्ट फुल एडर होगा उसका जो कैरी आउट होगा वो हमारा फाइनल कैरी आउट होगा, सम जो मिलेगा वो हमें इस तरीके से मिल जाएगा, पहले फुल एडर से हमें एलएसबी मिलेगी, लास्ट फुल एडर से हमें एमएसबी मिलेगी, ठीक है। तो बेसिकली इस वीडियो लेक्चर के लिए बस इतना ही, थैंक यू।